रादौर के गांव भागु माजरा में बिजली निगम की टीम के साथ ग्रामीणों का उस समय विवाद हो गया जब टीम गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई। गांव में पहुंची निगम की टीम 7 बिजली चोरी के मामले पकड़ चुकी थी। टीम की इस कार्रवाई पर कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम द्वारा उतारे गए मीटर भी ग्रामीणों ने छीन लिए और निगम की गाड़ियों के आगे पत्थर अड़ा दिए ताकि वहां से कोई जा ना सके। सूचना पाकर थाना रादौर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घंटों चली बातचीत में ग्रामीणों व टीम के बीच आपसी सहमति बन गई। इस मौके पर एसडीओ पंकज देसवाल ने बताया कि वे करीबन सुबह 4:30 बजे अपनी टीम के साथ गांव भागु माजरा में बिजली चोरी पकड़ने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा गांव में डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। टीम ने उनकी वीडियो बनाई और कुछ मीटर भी उतार लिए, लेकिन इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोकते हुए उनकी इस कार्रवाई पर एतराज जताना शुरू कर दिया और उन्हें गांव में ही रोके रखा। अब ग्रामीणों से बातचीत हो गई है, मामले में विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गांव भागु माजरा में बिजली निगम की टीम में एसडीओ पंकज देसवाल सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। बता दें कि बिजली चोरी पकड़ने के लिए निगम की 2 टीमें क्षेत्र में सक्रिय थी, जिसमें से 1 टीम गुमथला तो दूसरी खेड़ी लखा सिंह क्षेत्र में पहुंची थी। बिजली चोरी पकड़ने आए थे भागु माजरा गांव में, तो इसमें था सुबह थे 4:30 बजे, हमने 2 जगह छापामारी करी है, उसमें बिजली चोरी का केस पड़ा है। उसमें कुछ उस बंदे आ गए थे, गांव के बंदे इकट्ठे हो गए थे, उसमें फिर अपना उन्होंने एतराज जताया, उस करके फिर उन्होंने हमें रोक लिया था यहाँ पे। फिर अब बात हो गई है तो अब हो गया था। कितने लोग हुए छापामारी के? हाँ जी, कितने लोगों के खिलाफ? हमने करे हैं जी 8-10 घर चेक करे हैं, उसमें केस बनाए हैं, बाकी वो वीडियो बना रखी है, देख लेंगे अभी जा। कैसी चोरी की जा रही थी? डायरेक्ट थी जी, डायरेक्ट तारों में चोरी करके ना, तार लगा के डायरेक्ट मीटर से, मीटर को बंद कर रखा था, बाईपास करके डायरेक्ट चोरी कर रहे। कितने कर्मचारी थे जिनको बंधक बनाया था? सारे ही थे जी, 8-9 बंदे थे। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? कुछ नहीं जी, बस अभी जाके की जो विभागीय कार्रवाई होगी वो हम करेंगे इसमें।